हेलो इंटेलिजेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड। दिस इज़ अक्षय चोपड़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ अक्षय चोपड़ा मैथ्स, जहां हम 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स डिस्कस कर रहे थे बेटा। ठीक है जी, और उस सीरीज़ में हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 5। कौन से चैप्टर पे बेटा? चैप्टर नंबर 5। क्या चैप्टर का नाम है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी बुलाते हैं। ठीक है जी, तो आज हम कर रहे हैं इस चैप्टर में एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो देखो वही बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5th जितना हो चुका है, इन सब की बेटा प्लेलिस्ट, ठीक है जी, प्लेलिस्ट का लिंक प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ठीक है ना, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है बेटा, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है जी, तो प्लीज़ डू विज़िट द डिस्क्रिप्शन एंड व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर 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 ऐड होना। ठीक है जी, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, इस एपी की कितनी टर्म्स? हाउ मैनी टर्म्स बोल दिया ना, हाउ मैनी टर्म्स का मतलब एन की वैल्यू। ठीक है, हाउ मैनी टर्म्स का मतलब क्या हो गया? कितनी टर्म्स, कितनी को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स ना, एन हो गया। ऑफ द ए पी, ए पी इज गिवन टू बी दिस 9, 17, 25 एंड so on मस्ट बी टेकन, तो कितनी टर्म्स ली जाए यानी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब एन यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, सम दे रखा है 636। ठीक है, ये हमारी ए पी है जिसमें ए यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी है 9, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी कितना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 17 - 9 यानी कि 8। ठीक है जी, तो एन फाइंड करना है, सम दिया हुआ है। हमेशा मैं इसमें बोलता हूँ जो भी चीज़ गिवन है अगर उसका फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लगाओ, सम गिवन है तो बेटा सम का फॉर्मूला लगा दो। फिर एस एन क्या हो गया? एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, यही फॉर्मूला है ना सम का। बस ठीक है, अब तो सॉल्व ही करना। अब क्या एस एन की वैल्यू क्या? 636। एन वी हैव टू फाइंड आउट, ओके, टू टाइम्स ए की वैल्यू क्या है 9 प्लस एन वी हैव टू फाइंड आउट एंड आर कॉमन डिफरेंस इज 8। समझ गए? चलो जी, तो 636 इक्वल्स टू एन अपॉन टू, ये क्या बन गया 18 प्लस 8 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया। ठीक है जी, 8n - 8 आ गया, तो 636 इक्वल्स टू एन अपॉन टू, यहाँ पे क्या है 18 - 8 कितना हो गया 10 हो गया ना, 10 + 8 है। ओके, अब देखो ज़रा ये 2 को अंदर डिवाइड कर दो, 2 को जब हम डिवाइड कर देंगे तो 10 / 2 कितना हो जाएगा 5 प्लस 8 / 2 कितना हो जाएगा 4n। ठीक है जी, तो यानी कि हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन गई अगर हम n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी 4n² + 5n - 636। ठीक है, ये उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना। ठीक है जी, तो एक मिनट यहीं पे कर देते हैं ताकि पेज बार बार आगे पीछे ना करना पड़े। ओके, ये लो। ठीक है जी, तो हमारी जो इक्वेशन बन गई वो क्या बन गई 4n² + 5n - 636 = 0। अब बेटा नंबर ऑफ टर्म्स यानी n फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक बन गई है, फिर से वही बात है, तुम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, चाहे आप इसमें फैक्टराइजेशन करो, जैसे मर्जी करो। ठीक है, आपका एन आ जाएगा। ओके, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई 4, बी आ गया 5 और सी कितना आ जाएगा -636। ठीक है जी, तो आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, वहाँ से भी सेम ही आंसर आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन क्या होगा -b + -b² - 4ac / 2a। ध्यान दो वहाँ पे हम x लिखते थे 4th चैप्टर में, क्योंकि वहाँ इक्वेशन x में होती थी, या n में इक्वेशन है तो n की वैल्यू आएगी ना फिर। ठीक है, तो n कितना हो गया -b + -b² - 4 * a * c। ठीक है जी, अंडर दी रूट ये रहा। ठीक है जी, अपॉन 2a यानी कि 2 * a। ठीक है, देखो ये क्या बन जाएगा -5 + -25, माइनस और माइनस प्लस हो गया ना,
ये क्या बन गया 16 मल्टीप्लाई 636, ठीक है जी, अपॉन 8, ठीक है जी। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, एक मिनट। हाँ जी, तो हम कहाँ पहुँचे थे, यहाँ से एन की वैल्यू देखते हैं। हाँ ये रहा, तो एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक मिनट, माइनस 5 प्लस माइनस, ठीक है जी, 25, ठीक है। देखो पीछे क्या था, ये था ना 25 प्लस 16 इंटू 636, 16 इंटू 636 करो, यहीं पे कर लेते हैं, 636 को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये क्या बन गया, 16 के टेबल पे कर दें, 80 86 96, 9 आ गया, 48 एंड 9, 40 58 57, 5 आ गया, फिर से 90 आ गया, 95, ठीक है जी। नहीं कुछ गलती होगी, हाँ ठीक है, 16 6 96 और 5 101, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा अपने पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10176, ठीक है जी। तो यहीं पे लिख देता हूँ सीधा, प्लस 10176, ठीक है जी, अपॉन 2a यानी कि 8, ठीक है जी। चलो अब आगे सोल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा n इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस, इसको किया 11, 2 प्लस 7 9 एंड 1 10, फिर ये 2, ये बन जाएगा अंडर द रूट अपॉन 8, ठीक है जी। और इसका अंडर रूट कितना आता है, 101, तो n की वैल्यू क्या आ गई, -5 प्लस माइनस 101 अपॉन 8, ठीक है। तो n की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक प्लस 101 के साथ और एक माइनस 101 के साथ, ठीक है जी। अब देखो इसको तो चाहे सोल्व भी ना करो, देख के रिजेक्ट कर दो, क्योंकि दो नेगेटिव है, होंगे पॉजिटिव ही। देखो अगले स्टेप में बताता हूँ, ये कितना बन जाएगा 96/8 ना, और ये क्या बन जाएगा -106/8, ठीक है। इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि नेगेटिव आ गया, और नंबर ऑफ़ टर्म्स तो आपको बोला है हमेशा नेचुरल नंबर होता है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। चाहो तो इसको कटिंग करके सोल्व कर दो, नहीं तो इधर ही छोड़ दो, ठीक है। इसको क्या कर दो, रिजेक्टेड, बिकॉज क्या लिख दो, नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। इसकी कटिंग कर दी तो कितना आ गया, 12, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 12। तो नीचे क्या लिख देंगे हम अपनी इंग्लिश में, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स टू बी क्या जी, नंबर ऑफ टर्म्स टू बी टेकन, कितनी टर्म्स लेनी पड़ेगी हमें, 12, ताकि हमारा सम बन जाए 636, ओके। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 5th जो है अपने पास वो क्या है, क्वेश्चन 5th में आया कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 5, फर्स्ट टर्म 5 है, चलो जी a इक्वल टू 5, एंड लास्ट टर्म ऑफ ए पी इज़ 45, जो लास्ट टर्म है वो 45 है, लास्ट टर्म को ए एन से भी लिखते हैं और एल से भी लिखते हैं, ये कितना दे रखा है, 45, ठीक है। जितनी भी नोटेशन है सारी लिख लिया करो, कोई पता नहीं होता किस नोटेशन की ज़रूरत पड़ जाए। एंड द सम इज़ 400, लो जी सम दे रखा है 400, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है जी, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेते हैं, एंड कॉमन डिफरेंस, लो जी कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लेते हैं। बात को समझे ना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, उसने इतनी बड़ी स्टेटमेंट बना दी। अब चाहता तो ये भी लिख सकता था, ठीक है, a इक्वल टू 5, ए एन इक्वल टू 45, एस एन इक्वल टू 400, फाइंड n एंड d, चलो जी एक ही लाइन में स्टेटमेंट खत्म, लेकिन उसने इतनी बड़ी स्टेटमेंट बना दी, ठीक है ना, समझ गए ना। तो सबकी इंग्लिश प्लस उनकी नोटेशंस सारा कुछ पता होनी चाहिए, ओके, कोई पता नहीं होता किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। चलो जी n और d फाइंड करना है, अच्छा हमें a n भी दे रखा है, s n भी दे रखा है, बस इनके फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे फिर, एस एन एन बाय टू एन फाइंड करना है, ए प्लस एल, हाँ वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है जी। एस एन का ये फॉर्मूला लगा दो, एन बाय टू ए प्लस एल, ये फॉर्मूला था ना सम का, ठीक है। सम कितना दे रखा है, 400, एन वी हैव टू फाइंड, ए इज़ 5 एंड एल इज़ 45, लो जी यहाँ से तो एन सीधा ही आ गया, ठीक है ना। तो ये कितना बन जाएगा, 400 इक्वल्स टू एन बाई टू मल्टीप्लाई 50, ओके,
फाइव प्लस 45 50 हो गया ना, कटिंग कर दी तो 25 आ गया, तो 400 इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई 25। ओके, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 400 अपॉन 25, ये आ गया अपना एन। इसकी कटिंग कर दो, ये बन गया 5, ये बन गया 5 8 40, फिर 5 1 5 और ये बन गया 16। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 16। लो जी, नंबर ऑफ टर्म्स तो आ गई 16, लिख दो इंग्लिश में, देयर फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू 16। ठीक है जी, देखो मैंने पहले बोला क्वेश्चन वाली लैंग्वेज लिखनी है, क्वेश्चन में ये पूछा ना फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, अगर सीधा ही बोल देता फाइंड एन तो हम एन फाइंड करके यहीं पे छोड़ देते। ठीक है जी, चलो अब आगे क्या फाइंड करना था, डी। डी के लिए फिर ये फॉर्मूला लगा दो, यहीं पे कर देते हैं। चलो डी के लिए फॉर्मूला लगा दो, लास्ट टर्म यानी कि ए एन गिवन है ना, तो वो क्या होता है, ठीक है, यही तो होता है। तो ए एन इज़ 45, ए इज़ 5, एन वी हैव कैलकुलेटेड 16 माइनस 1, डी वी हैव टू फाइंड आउट। तो 45 माइनस 5 कितना हो गया, 16 माइनस 5 15 डी, 45 माइनस 5 हो गया 40 इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई डी। तो ये 15 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसकी कटिंग कर दो, 5 3 15 एंड 5 8 40। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 8/3, कॉमन डिफरेंस आ गया 8/3। इसी को इंग्लिश में लिख देंगे फिर, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 8/3। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारे पास, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, कौन सी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 17 and 350 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी रिस्पेक्टिवली का वर्ड मतलब समझाया था, इसका मतलब होता है जो फर्स्ट वर्ड आया उसकी वैल्यू फर्स्ट वाली है, जो सेकंड में वर्ड आया उसकी वैल्यू सेकंड वाली है, ये रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है। ठीक है जी, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 17 और लास्ट टर्म है दैट इज़ 350। तो फर्स्ट टर्म यानी कि ए दे रखा है, लास्ट टर्म यानी कि एल जिसको हम ए एन भी बोलते हैं दैट इज़ 350। ठीक है जी, इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, चलो जी कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है 9 है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, कितनी टर्म्स हैं यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, एंड वॉट इज़ देयर सम, और उनका सम भी बता दो भाई, बात समझे, कितनी टर्म्स हैं और उनका सम भी बता दो। तो एन फाइंड करना है, एन तो पहले इसी फॉर्मूले से फाइंड हो जाएगा। चलो जी, ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 350। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 × डी किसके इक्वल हो गया, 350। ठीक है जी, ए इज़ 17 प्लस एन वी हैव टू फाइंड आउट एंड डी इज़ 9 विच इज़ इक्वल टू 350। ओके, ये 17 दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 9 टाइम्स एन माइनस 1 विल बी इक्वल टू 350 माइनस 17। ओके, तो 9 टाइम्स एन माइनस 1 विल बी इक्वल टू 350 माइनस 17 कितना हो गया, 340, 7 और माइनस 333। ठीक है जी, तो एन माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई, 333 डिवाइड बाय 9। ठीक है जी, 9 से कटिंग कर दो, क्या बन जाएगा, कुछ तो बनेगा, 9 से कटिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा, 9 2 18, 9 3 27, ठीक है, 3 आ गया 63। ठीक है, 9 7 63, तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई, 37, n माइनस 1 37 आ गया ना, तो n इक्वल्स टू 37 + 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 38। ठीक है जी, n की वैल्यू क्या आ गई, 38, नंबर ऑफ टर्म्स तो आ गई ना 38, इसी को इंग्लिश में लिख देंगे। चलो जी, तो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 38। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके सम की तरफ, उसने सम भी पूछा ना। ठीक है जी, क्या पूछा था उसने, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज़ देयर सम, उसका सम भी बताओ। चलो अभी सम बता देते हैं, फिर सम कैसे बताएंगे, फॉर्मूला लगा के और कैसे बताएंगे, ठीक है ना। चलो जी, हाँ जी, तो सम का फॉर्मूला क्या हमारे पास, एस एन, अच्छा देखो ध्यान से, n बाय 2 यहाँ पे a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा देना,
ठीक है, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है ना, आसान, समझ गए। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 38। तो S38 क्या बन गया, 38/2। ए की वैल्यू क्या है, 17, प्लस लास्ट टर्म कितनी है, 350। ओके, बात समझ आ गई ना। देख लो यहाँ पे ए एन नोटेशन का यूज़ हुआ, लेकिन यहाँ पे एल नोटेशन का यूज़ हुआ। तो जब भी आपको ऐसे दे ना, जनरल टर्म बोल दे या एनथ टर्म बोल दे या लास्ट टर्म बोल दे, ये दोनों सिंबल्स लिख लिया करो, ठीक है ना, कहीं पे भी किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, ये कितना आ गया, 19। तो S38 विल बी इक्वल टू 19 × 17, ये कितना हो गया, 7। 35 and 1 is 36। बस अब इनको मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। 19 और 367 को कर देते हैं मल्टीप्लाई। चलो ये कितना है, 367 × 19, ठीक है जी, 6 6 आ गया, फिर से 3, उसके बाद 7 6 and 3, प्लस करेंगे तो 3 7 9 and 6, तो कितना आ गया, 6 9 7 3। कितना आंसर आ गया, 6 9 7 and 3, ठीक है जी। तो आप चाहो तो इंग्लिश में लिख भी सकते हो फिर, देयरफॉर सम ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू 6 9 7 3, ठीक है जी। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, तो 7th क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, इस चैप्टर का नहीं, ठीक है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ये क्या है जी, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। एपी की पहली 22 टर्म का सम फाइंड आउट करना है, यानी कि S22 हमें फाइंड आउट करना है। अगर S22 बोल दिया, यानी कि एन की वैल्यू 22 हो गई ना, ऐसा नहीं तो होता है, ठीक है, एन की वैल्यू 22 हो गई। अब देखो इन विच डी इक्वल्स टू 7, अब डी 7 दे दिया, कॉमन डिफरेंस मुँह से नहीं बोला, मतलब इंग्लिश में नहीं बोला, डी की वैल्यू 7, ठीक है, एंड 22nd टर्म इज़ 149, यानी कि A22 कितना दे दिया, 149। ये तो मुझे लगता है और भी इजी हो जाएगा, ठीक है। देखो S22 है ना, तो हम n/2 a+l का फॉर्मूला लगा देंगे, जहाँ पे l A22 हो गया, लेकिन उसमें a फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है जी। हाँ ठीक है, तो a फाइंड आउट करो पहले, तो क्या करो, A22 का फॉर्मूला लगा दो। A22 कितना है, 149, ये बन जाएगा a+21d ना, विच इज़ 149। ए वी हैव टू फाइंड आउट, 21 × d = 7। ओके, तो ये क्या बन गया, a+147 = 149। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 149 − 147, दैट इज़ आर a = 2। ए की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, S22, ठीक है जी, यहीं पे कर लेते हैं। S22 कितना बन जाएगा, n/2, पहले तो Sn का फॉर्मूला लिखो, n/2 a+l ना, ठीक है जी, यहाँ पे वो l क्या हो जाएगा, n/2 a+an, समझे, ठीक है जी। और n की वैल्यू क्या हमारे पास, 22 है, तो S22 क्या हो गया हमारे पास, 22/2 a+a22, ठीक है जी, इसकी कटिंग कर दो तो 11 आ गया। तो S22 कितना आ गया, 11 × a की वैल्यू 2 फाइंड आउट कर ली है, A22 is 149, सो S22 = 11 × 151। तो S22 कितना आ गया, इसको क्या करेंगे, 11 1s are 11, 11 5s are 51 and 156, 11 1s are 11 and 5 16, तो 1661 आ गया, ठीक है जी, समझ गए। तो यहाँ पे इंग्लिश में पूछा था ना, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, तो ऐसे ही लिख लेंगे, देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू 1661। ओके ओके स्टूडेंट्स, ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।